Of course, you know, Asim and Himanshi, they were talked about for a long time. And, you know, people, of course, in their respective fan clubs, they were heard. It is their prerogative kya hai. But ek jo sawal tha, jo mujhe bhi kaafi logon ne mere poll mein poocha tha, ki I think this one of the reasons that was cited was religious differences, right? मुझे फैंस ने बहुत लोगों ने पूछा कि रिलीजियस डिफरेंस तो पहले भी थे या। तो जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो फिर इतने टाइम बाद फिर वो रिलीजियस डिफरेंस का पॉइंट, बोलते हैं दिल तो बच्चा है जी, क्योंकि जब आपको प्यार होता है ना, फिर ना आप करते क्या हो, आपका रिलीजन क्या है, आपकी फैमिली क्या है, आपका देश क्या है, कहाँ से एथनीसिटी क्या है आपकी, तो वो बस यू नो भूल जाते हो। हाँ, वो सब भूल जाते हो आप। आपको जब बस प्यार हो जाता है, फिर आप नहीं देखते कि मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे और उसके क्या सोचेंगे। आप बोले अब साथ में है, बिकॉज आपको फाइंडिंग द राइट पर्सन इज वेरी डिफिकल्ट। तो उन्होंने सोचा कि दिस इज बेस्ट फॉर ईच अदर, कि तेरे लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, इट्स बेटर वी पार्ट। 3-4 साल मेमोरीज होती है वो, so 3-4 साल में आप ग्रो करते हो। वो बिग बॉस से जो निकला था और आज आसिम बड़ा अलग है, और रश्मि को जरूरत नहीं है किसी चीज की, क्योंकि उसने इतना काम किया है, शी इज वेल सेटल्ड। बट मेरा उसके साथ एक कनेक्ट हमेशा रहेगा, वो अभी भी रहेगा, अभी भी उसका बर्थडे था, बिकॉज क्योंकि मैंने किसी के साथ अगर वक्त बिताया है ना, और वो बहुत टफ टाइम था अंदर जब रश्मि मेरे साथ थी, वो सपोर्ट में थी, वो मैं कभी भूलने नहीं वाला। शी ऑल्सो डिडंट वॉन्ट कोई रिलेशनशिप में, बोलने को तो यार होता है ना, लड़की पटाने वाली बात है ना, आप बोल दो अच्छी अच्छी बातें, एंड वुमेन क्या दिल से सोचते हैं ना वो। तो मैंने कहा वो चीज मुझे नहीं करनी है। मैंने कहा ऐसे ही करते हैं, दोस्त रहते हैं। वो बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई, बट वो मैंने हैंडल कर दिया कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा एक तो अपने ऊपर के लोगों के साथ बैठो, यार ये हमेशा पेरेंट्स भी हमारे बोलते हैं, हाँ, you know, अपने ऊपर के लोगों के साथ बैठो, ताकि क्योंकि उन्होंने लाइफ आपसे ज्यादा देखी है, वो उनकी उनकी गलतियों से सीखो कि इसने ये गलत किया है, अच्छा मैं यहाँ पे संभल सकता हूँ, और जो इंस्पायर भी करे। अगर आप अपने से नीचे लोगों में बैठोगे, तो फिर वो आपकी हर चीज को सही बोलेंगे, अरे भाई ने सही बोला, उनके लिए तुम ही शहंशाह हो भाई, आप ही शहंशाह हो, और आप फिर एक वो अपने वो एक बबल में जी रहे हो कि मैं वो हूँ, लेकिन वो बबल टूटने में 5 मिनट लगते हैं। हेलो, दिस इज उमर रियाज, एंड इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस टॉकिंग विद सुभोजीत, एंड बहुत सारे लाइफ पे हमने बातें की, अबाउट करियर, अबाउट फिटनेस, एंड आई थिंक काफी लंबी बात की, आई थिंक मोर देन एन आवर, एंड आई थिंक व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग आई नो आई डोंट एंड ऑल्सो, so but it was a lovely experience. I got to speak my heart out, so all thanks to Subhajit, and what a lovely person. And aapko agar pura podcast dekhna hai, so you'll have to subscribe to his channel, and so please go and subscribe to Subhajit YouTube channel, and like and subscribe, guys. Thank you so much. Ladies and gentlemen, when you talk about swag, calm, composure, a lot of things collectively coming together, along with a lot of fan following, tagda kaam kiya hai, quality kaam kiya hai, quantity bhi doesn't believe, he only believes in quality. That's why waiting agar thoda karna bhi pare, it's worth it, because it's Umar Riaz on the house, ladies and gentlemen. Thank you so much, bhai, for joining me. It's a pleasure. My pleasure, yeah. मुझे बताओ सबसे पहले ये जो कूल एकदम चिजल बॉडी जो दिख रहा है, बॉडी कितना मेहनत जाता है ना रेगुलर बेसिस, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि देयर आर सर्टेन डेज व्हेन यू हैव अ टायरिंग शेड्यूल, जिम जाने का उतना मन नहीं होता, बट देन यू हैव टू पुश योरसेल्फ, राइट? तुम्हारा जो फिजिक है ये देख के लग रहा है कि यू आर वन ऑफ दोस पीपल हु पुशेस हिमसेल्फ एक्सट्रीमली। मुझे बताओ क्या है ये सीन? मुझे आई थिंक लाइफ में नथिंग कम्स इजी, एंड इफ यू वांट परफेक्शन, सो इट हैज टू बी लाइक हार्ड वर्क, इट हैज टू बी लॉट ऑफ हसल, इट हैज टू बी एक माइंड सेट होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि यार आज मैं थक गया, आई कैन नॉट वर्कआउट, बिकॉज आप यू हैव टू फाइंड मोटिवेशन इन योर सेल्फ एंड इन द सराउंडिंग। या तो आप एक ऐसा चीज लड़का देख लो कि भाई अच्छा मेरे को यू नो ये कर रहा है तो मुझे भी करना है, वो दिमाग में, बिकॉज आप घर पे हो, यू नॉट इन जिम एवरी डे, बिकॉज व्हेन यू हाफ ऑफ द जॉब इज डन व्हेन यू गो टू द जिम, राइट? बिकॉज आप रेडी हुए हो, आपने वो माइंड सेट बनाया कि आज मुझे कौन सा मस्जिद करना है, अब वहां जाके यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, राइट? यू कैन हैव गुड पीपल ओवर देयर, यू टॉक टू एवरी डे, बट घर पे बैठ के मोटिवेशन, वो आपको एक
इमेज रखनी कि आई हैव टू अचीव लाइक दिस एंड आई हैव टू बी एवरी डे यू नो उसके लिए ये बनाना ये चाहिए मेरे को ये चाहिए लेकिन उसके लिए एक जर्नी है एब्सोल्युटली वो रोज आपको वो द लाइफ इट्स वेरी बोरिंग एंड इट्स वेरी सेल्फिश लाइफ जो एक व्हेन यू वांट टू गेट इनटू अ शेप पर्टिकुलर वेरी सेल्फिश बिकॉज़ आप बाहर भी जाओगे यू ऑर्डर पर्टिकुलर थिंग घर पे भी आपकी चीजें पर्टिकुलर होंगी कि यू नो देयर नॉट गोना बी एनी स्वीट्स और एक ब्लैंड खाना होगा सो वो एक लाइफ एंड आई नेवर से कि मैं डाइट पे व्हेन आई से डाइट पे दैट मींस आई हैव अनदर प्लान एज वेल कि जब डाइट नहीं होगा तो मैं वो करूंगा हाँ तो वैसा है नहीं कि दिस इज माय लाइफस्टाइल एंड आई वांट टू डू टिल आई टिल माय लास्ट डे सो और उसके लिए क्या उसके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट बट डोंट थिंक एज इट कि यू आर सैक्रिफाइसिंग टेक इट एज अ रिवॉर्ड कि अगर मेरे सामने डेजर्ट पड़ा है आई एम नॉट ईटिंग इट राइट मैं पीपल से थोड़ा ले लो मेरा ऐसा रहता है कि थोड़ा नहीं मैं खाऊंगा तो पूरा खाऊंगा नहीं खाऊंगा नहीं तो गला भर के खाऊंगा नहीं तो नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे को पता है अगले दिन मेरे को क्या करना है वो थोड़ा खा के यू नो यूर मेकिंग योरसेल्फ हैप्पी अ लिटिल बिट व्हेन आई मेक मायसेल्फ हैप्पी आई मेक टू द फुल अगर जिस दिन मैंने डेजर्ट खाना है मैं पूरा भर के खाऊंगा और अगले दिन का स्केड्यूल मुझे पता है कि ना यू नो कार्ब्स ये रहना ये थोड़ा थोड़ा का जो प्रॉब्लम है ना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा डिनर के बाद थोड़ा मीठा सुबह थोड़ा क्रिजो मीठा उससे यू विल नेवर बी एबल टू अचीव योर गोल्स बिकॉज लाइफ में कोई भी चीज आसान नहीं है एब्सोल्युटली तो हसल और स्ट्रगल तो बहुत जरूरी है मतलब मैं अपनी बॉडी परफेक्ट नहीं कहता आई थिंक परफेक्शन ह्यूमंस के लिए बना भी नहीं करेक्ट वी दैट्स व्हाई दे से एम टुवर्ड्स द स्काई नोबडी हैज टच द स्काई वी सी द स्काई इज ब्लू जब स्पेस में जाओ ब्लैक है जितना ऊपर जाओगे यू कैन नॉट होल्ड सो परफेक्शन एक ऐसी चीज है यू कैन नेवर अचीव बट यू कैन ऑलवेज गो स्ट्राइव फॉर इट यू कैन ऑलवेज स्ट्राइव फॉर इट बिकॉज हम कभी परफेक्ट बने ही नहीं थे हमें खुदा ने परफेक्ट बनाया ही नहीं हमें बनाया हासिल करने के लिए मेहनत करो चीजें मिलेगी डोंट थिंक कि परफेक्ट तुम्हारी लाइफ परफेक्ट होगी या तुम परफेक्ट दिखोगे वैसा होने नहीं वाला बिकॉज अगर मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ देयर विल बी सम मसल जहाँ पे मैं डेफिशिएंट होऊंगा बिकॉज दैट इज हाउ वी वर मेड imperfect imperfectly perfect kehte na absolutely imperfections bhari usi mein khush raho aur usi ko imperfections jo hai wo bhari hui hai that is perfectly khush raho but you know it's not about khush raho when you get not get comfortable but you like strive for more betterment right ki isko kaise main better kar sakta hu agar ye khali muscle nahi life mein bhi ye to ek part hai ek meri life ka this is not just me Umar Riaz is not only about fitness or looking good no yeah the personality am I the what I have done in my life that and I want to be defined I don't want to be called as a good looking guy I want to be called why am I got famous it was not because I looked good I was a doctor jo meri personality thi matlab main ek doctor bhi tha or the way I behaved inside real tha mereko I didn't want to portray anything ki mereko ek image to wo realness wohi leke main life mein chalta hu and just strive for more and be ready yeah ki bhai agar koi bole jaise main show bhi kiya so they were like mujhe 8 packs chahiye to main khada hoke bola 6 to samne hai to aur agle wale ko bhi acha lagega ki ha wo ready hai isko abhi 2 mahine nahi rehne hai mere ko padapad ho jayega 14 din mein to wohi mindset hai wo body mein dikhta hai aur wo main kaam mein bhi koshish karta hu that should but mujhe batao ki ye jo hai I believe bro code is a real thing and when it comes to fitness you and Asim bhai you both have रियल ब्रो कोड व्हेन इट कम्स टू फिटनेस अपने आप में एक दूसरे को बोलते हो कि यार भाई तुम्हारे बाइसेप्स कमाल के दिख रहे हैं यार मेरा थोड़ा चेस्ट ज्यादा बेटर दिख रहा है ऐसे थोड़ा आपस में फिटनेस को लेके हेल्दी कंपटीशन करते हो हेल्दी मतलब कि ही हैज बीन डूइंग दिस बिकॉज़ ही हैज बीन इन दिस इंडस्ट्री सिंस ऑलमोस्ट 12 13 इयर्स सो ही वाज हियर व्हेन ही वाज 20 सो आप बॉम्बे में आए हो तो पहली चीज है कि बाकी सब चल रहा है साथ में यू हैव टू बी फिट वो तो है नहीं कि भाई आप बोलो कि मैं एक्टर हूँ यार मेरे को तो जैसे मैं काफी लोग बोलते हैं कि यार हम एक्टर हमें इसकी जरूरत नहीं है बट वो बहुत जरूरत है बिकॉज एक शेप में आपको हमेशा रहना absolutely. तो वो करता आ रहा है बट माय लाइफ वाज लाइक एज अ डॉक्टर बट मैं हम फिटनेस में हम अपने माँ बाप से सीखे एक्चुअली माई फादर एंड माई मदर नो दे आर ओबीज बट दे ऑलवेज यू हैव सीन देम माई फादर एवरी टाइम मॉर्निंग इज गोइंग टू जिम माई मदर वेक्स अप इन द मॉर्निंग फास्ट होता था शी वॉज फास्टिंग तो मैं अभी भी बोलता हूँ शी वॉज फास्टिंग एंड शी वुड जस्ट वॉक एंड गो टू वर्क तब इतना न्यूट्रिशन का एक्चुअली नॉलेज नहीं था और सारा फोकस क्या होता है आपके बच्चों के परवरिश के ऊपर होता है तो हम तो बहुत मीन लाइफ जी रहे हैं अपने ऊपर सब कुछ आजकल वैसे भी है ना कि लव योर सेल्फ पहले तब होता था कि यू नो पीपल दे डू देयर फॉर द किड्स
अपनी दे विल मूव जस्ट फॉर द किड्स. आज कोई कर नहीं रहा है, एवरीबॉडी इज लाइक आई नीड टू बी हैप्पी. अगर बहुत सेल्फिश होते शायद हमारी इतनी अच्छी परवरिश नहीं होती, बिकॉज दे वॉन्टेड टू गिव एवरीथिंग टू अस. पर ये फिटनेस वाला उधर से है. और हाँ, भाई तो हमेशा शेप में रहा है, और ऑब्वियसली उसको देख के भी मैं एक तरह से होता है कि ऑब्वियसली इफ ही इज डूइंग दिस, उसके छह पैक है तो मेरे क्यों नहीं. मतलब एक एक से हेल्दी थिंग एक उधर मोटिवेशन फ्रॉम ईच अदर. हां, एनवी नहीं है, ऑफ कोर्स एनवी नहीं है, बट ये है कि इसने किया है, आई आल्सो वांटेड, बिकॉज़ खून सेम है. एब्सोल्युटली खून सेम है, मां-बाप सेम है, और एंड दे हैव शोड अस द पाथ कि हम कि फिटनेस इज इंपॉर्टेंट. अब बाकी तो डिसीजंस आपके हैं लाइफ, आपको एंजॉय करना है. वो ये नहीं बोलते कि भाई सिक्स पैक्स रखो, वो अब आपको अपने आप को मनाना है कि भाई हाउ डू यू वांट टू लुक. एंड लुक भी एक और एक एक होता है ब्रो फिटनेस, और एक होता है एस्थेटिक्स. फिटनेस आसान है, सुबह आप जाइए कार्डियो कीजिए, यू नो यू बिल्ड एंड्योरेंस स्टैमिना. वही एस्थेटिक्स इज अनदर गेम. वहां पे आपको कैलोरी डेफिसिट, आपको यू हैव टू वो आप मे बी एनर्जीज विल बी आल्सो बिलो, बिकॉज आप बहुत चीजों में डेफिशिएंट भी होते हो. Because aesthetics, that means you every muscle has to be shown because it's camera and camera will catch everything. सब पकड़ लेते. तो हाँ, तो वो aesthetics में obviously fitness will come by that. So my brother has always been will I have always seen him with those six pack abs and तो वो दिमाग में एक picture है कि भाई ये तो ऐसा है. भाई है और उसका कभी पेट है ही नहीं है. तो तेरा कैसे है? तो, yeah. बाकी मोटिवेशन तो बाहर ढूंढने की अलग बात है, घर में ही इतना मोटिवेशन है. छोड़ा बगल में क्यों ढिंढो रहा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली घर में. बट मुझे बताओ ब्रो कि यू नो व्हेन इट कम्स टू यू नो स्टफ लाइक मॉडलिंग एक्सेट्रा, यू आसिम भाई बोथ यू बोथ आर इंस्पिरेशंस. बिकॉज बहुत देखो बॉम्बे शहर जैसे शहर में बहुत लोग आते हैं मॉडलिंग वगैरह के लिए, लेकिन वेरी फ्यू एक्चुअली क्रॉस दैट बाउंड्री ऑफ जस्ट मॉडलिंग एंड समथिंग बियॉन्ड दैट, राइट? Both you and Asim bhai have achieved that, and which is why when it comes to grooming young talent or fresh talent, you are one of the, I would say, perfect choices around that thing. Asim bhai bhi hote, wo bhi hote perfect choice. So when you are coming over here to host this kind of a reality show, jahan pe, you know, it's all about runway, yeah, models, yeah, grooming them, etc. Yeah. What are the inputs that you're going to be having from your end, bhai? Bhai, rather than what I have, jo show tha, usme rather than telling them about fashion, yeah, or telling them how you should look, how you should stand, because flaws sab mein hote hain, flaws mere mein bhi. Mera jo main thing tha ki what I have learnt in my life, jo meri life rahi hai abhi as a surgeon, as a doctor surgeon, then coming to this industry, wo jo hustle, yeah, har field mein rehta hai. To mera the main thing was ki wo in, agar mere ko do cheeze bhi pata hai, I want to tell them because I want to give back. Agar maine kuch achieve kiya hai, I want to give back to them so that they feel confident and they feel like, yes, we can also do it. I told them, ki bro, it was my dream to host this show, right? So I told them, when you are here, that you have a purpose, you have reached here, so feel confident and, you know, tell your story, batao logon ko, right? So my main thing was inspiring them, rather than telling them you're looking good or you, because grooming experts, bahut sare aaye, Akanksha thi, wo bhi grooming mein, but maine wahan pe groom nahi kiya, maine unko अपनी लाइफ के बारे, ताकि वो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो, बिकॉज टीवी पे है, थोड़ा वो कभी रिलैक्स हो जाते थे, मैं उनको हर बार समझाता था. तो मेरा हमेशा इंस्पिरेशन रहा है, और मेरे को दैट्स व्हाट मैं इनिशियली बोला कि आई डोंट वांट टू बी लुक्ड एज अ गुड लुकिंग और यार ये ग्रूम्ड है, वैसा नहीं. द पर्सनैलिटी आई है, आई वॉन्ट पीपल टू लाइक दैट, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ गुड लुकिंग मैन एंड वुमेन आउट देयर, बट व्हेन दे स्पीक दे कैन नॉट स्पीक inspire people. You cannot बात करे तो basically gutter होता है. हाँ, मतलब gutter भी नहीं, आपके मुँह से words निकल रहे हैं, you know, it should be should inspire someone की कोई दो लोग भी देख रहे हैं कि हाँ भाई बात सही कर रहा है. Can I use it? Because मुझे ऐसा लगता है अगर आप कुछ अचीव करें छोटा या बड़ा, what are you giving back? Absolutely. But now I realize कि अगर आपने एक life आपको, because obviously 20 साल के बाद आपके experience शुरू होते हैं, school से निकलते हो, and I'm above 30 now, so I एक experience हो चुके, now I can tell people कि अच्छा मैं इससे गुजरा हूँ, and you can also do that and live your dreams or dream big, और ये चीजें मैं बोल सकता हूँ. I'm like अंदर रख के कोई फायदा नहीं है, जैसे fitness मैंने ऐसे 6-5 यार उसको नहीं बताता हूँ, मैं वो भी बना लेगा, yeah, वो वाला मेरा no point being insecure, most important, you know why, because everybody is gonna die and is gonna be in front of God
एंड नाउ गॉड इज गोना आस्क यू, अच्छा मेरे को बताओ, आई सेंट यू टू अर्थ, टेल मी व्हाट यू डिड, राइट? बिकॉज दिस क्वेश्चन इज गोना बी आस्क्ड टू एवरीबॉडी. अच्छा वो तेरे साथ ये लड़का था, वो घूम रहा था, तूने क्या किया उसको हेल्प करने के लिए? डिड यू से अ गुड वर्ड टू हिम? नो, गिविंग बैक इज नॉट अबाउट चैरिटी, स्टैंडिंग ऑन अ स्टेज और लोगों को बताना कि ये करो या वो नहीं. इट्स इवन इफ यू डू गुड टू अ सिंगल पर्सन, अगर वो कहीं आगे पीछे हो रहा है, अगर आप उसको बोलते थे भाई मैं भी ऐसे था लेकिन मैंने ये किया और मैं सुधर गया, अगर तूने यू नो इफ आई एम विद समबडी एंड आई एम लेटिंग हिम गो अवे, कि अच्छा जा रहा है तो जाने दो, कोई चक्कर नहीं है, यू नो एक कॉम्पिटिशन और कम हो गया, यू नो होता है ना बॉम्बे में साइकी होता है सब, बहुत काटना लोगों को, बहुत लोगों का साइकी होता है, लेकिन then you, that means you've forgotten God and you've forgotten that you're going to be questioned, and that I because that's why they say na, in every day do a good deed. Why? Not just because you're going to get mercy of God on this earth. Mar ke aapko God ke samne khada bhi hona hai, jawab dena hai to jawab ke liye, you know, you need to be ready. Absolutely. Why they call it's a testimony, they say na ki people testify ki maine ye kiya tha, because tab aapki jo testimonies hain wo aapke samne hone wali hain. कि भाई मैंने, गॉड इज गोना आस्क यू, वो गुमराह हुआ तूने कुछ किया? आई बी लाइक आई टोल्ड हिम. सो वो टेस्टिमनी होती है कि आपके अंदर तो है लेकिन आप किसी को बोल रहे हो, वो टेस्टिमनी है आपकी. तो मेरा हमेशा ऐसा रहता है कि अगर मैं किसी के साथ हूँ, अगर मेरे को कुछ पता है, ऐसा नहीं कि मुझे दुनिया के बारे में सब पता है, अगर मुझे कुछ पता है मैं बताऊँ कि भाई तेरा भी भला हो जाए और अगर मेरा भला, क्योंकि अगर आप किसी का भला चाहोगे तभी तो आपका भला होने वाला है. Absolutely. अगर आप किसी का बुरा चाहोगे, आप कैसे सोच रहे हो आपका भला होगा? मैंने देखा है लोग जाते हैं इंटरव्यूज देते हैं लोगों को डिमीन करने के लिए, होता है अब जिस शोक में से भी मैं भी है, बहुत सारे लोग जाते हैं बुलाया जाता है उनको, डिमीन करो इनको, आओ इनकी इनकी बैंड बजा दो क्योंकि इन्होंने जो नाम कमाए ये ज्यादा उड़ रहे हैं, अब इनकी बजाओ. और अगर आप उस ट्रैप में जाते हो कि इसकी मैं बजाऊंगी, मैं फेमस हो जाऊंगा या मैं हो जाऊंगी, तो आपको थोड़ी देर के लिए फेम मिल जाएगा, बट आपने किसी का बुरा चाहा है, आपका अच्छा हो ही नहीं सकता. Eventually, it's not gonna be in your favor. It's not gonna work, man. Never. Bro, मुझे बताओ, you know, when you talk about तुम्हारे जो ये बातें मैं सुन रहा हूँ ना, and you just said right now कि मैं अभी I'm above 30 right now, but most importantly, देखो एज तो फैक्टर नहीं है, it's the experiences और वो जो तजुर्बा होता है वो फैक्ट होता है जिंदगी का असली आई थिंक उसूल जिसके वो लेके आप आगे बढ़ते हो, राइट? मुझे बताओ, यू एंड आसिम भाई बिफोर यू नो टेस्टिंग योर शेयर ऑफ सक्सेस, आई एम श्योर बहुत हार्डशिप्स देखे होंगे. एक तो इधर से हो नहीं, बाहर से आए हो, बाहर वालों को इधर जिंदगी बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है. मुझे बताओ, व्हाट इज उमर रियाज़'s डार्केस्ट डे एवर, और टेल अस अबाउट दोस डार्केस्ट डेज, बिकॉज मोटिवेशन ओनली कम्स व्हेन यू हैव डेल्ट विद दैट काइंड ऑफ थिंग योरसेल्फ एंड सक्सेसफुली, तब जाके दूसरों को भी कर सकते हो. अपना खुद का सक्सेस स्टोरी बताओ इन टर्म्स ऑफ सेल्फ मोटिवेटिंग योरसेल्फ ड्यूरिंग योर डार्केस्ट डे. सो मैं सी टचवुड ऐसा रहा है कि हाँ, डार्केस्ट डेज ऐसे रहे हैं कि जैसे किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, डार्केस्ट डेज होता है, काम नहीं होता है, वो सब चीजें आती हैं जब व्हेन यू आर एडल्ट और आप एक चीज में पड़ गए हो, करेक्ट है ना, एक चीज में हो, अब वहां पे काम नहीं आ रहा है कि अब उस चीज से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो लोगों के लिए डार्केस्ट डेज है. बट मेरे आई थिंक darkest days would be like growing up in a family, बहुत सारा chaos था, right? आगे पीछे जो fights होती हैं बच्चों के, I think mental health पे बहुत फर्क पड़ता है उस चीज से. तो but मेरा I think मैं उसको darkest days नहीं कहूँगा, अगर मैं अब सोचता हूँ जो मैं इंसान हूँ वो उसी की वजह से हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि obviously my father, my mother and 3 kids, only father one person to raise the family. तो मुझे काफ़ी जल्दी रियलाइज हो गया था, मैंने अब 7th-8 कि भाई यू आर ऑन योर ओन, बिकॉज योर डैड इज टेकिंग केयर ऑफ किड्स, हिज वाइफ, हिज मदर एंड हिज फादर, नाउ मदर एंड फादर फॉर मी अल्लाह रेस्ट दे सोल रेस्ट इन पीस. बट तो उस वक्त मुझे रियलाइज हो गया कि था कि भाई मस्ती तो नहीं कर सकते, होता है ना कि क्योंकि आप एज अ किड आपको समझ आ जाता है जब आप एक चीज़ मानते हो सॉरी नहीं हो पाएगा, फिर आप एक टाइम पे खुद से ताकि मैं हासिल करूं, हाँ, तो खुद से. तो मेरा वही था कि मैं 7th-8 तक एक मीडियोकर सा बच्चा था, तो लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एज आई ग्रू अप
आई गॉट फोकस कि नहीं मेरे को भाई पता चल गया कि मेरे को डॉक्टर बनना है। अब वो कैसे बनना है, वो ऑब्वियसली एक बात होता है, आपको पढ़ा ये किया ठीक है, वो मेरा तो वो डेज थे कि भैया कि नहीं मेरे को बनना है। अब वो जो मेहनत होती है ऑब्वियसली आपको पता नहीं है होगा नहीं होगा, तो आप मेहनत करते हो, एंट्रेंस एग्जाम्स कितने होते हैं यार, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, आई वाज अ स्कॉलर, तो मैंने वो किया, एमबीबीएस किया, तो उसमें भी ब्रो क्योंकि एमबीबीएस करना कोई मजाक नहीं होता है, वो 6 साल का, आई हैव नोन पीपल 4 साल के बाद भी जिन्होंने एमबीबीएस छोड़ दिया है, सो आई नो द डिफिकल्टी, बहुत डिफिकल्ट बहुत है, बट आई नेवर हैड अ बैकअप कि मैं गया और मैं तो पहले दिन जाके रोया हूँ कॉलेज के कि भाई ये क्या है ये कॉलेज लाइफ क्यों की जाएगी, बट आई वाज लाइक सो यू वर रैग्ड, व्हाट हैपेंड ऑन द फर्स्ट डे, मेडिकल कॉलेज में तो रैगिंग देखो फेमस भी है, आई थिंक हमारी रैगिंग के बाद तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि देयर इज गोना बी नो मोर रैगिंग, एब्सोल्युटली, तो मतलब आई वाज स्ट्रिप नेकेड, मतलब हमें जो हॉस्टल में जाके, बट ठीक है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ जो भी मेडिकल कॉलेज का, मेरे को आइडिया नहीं था, बट मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं था कि मेरे को अब छोड़ना है कि भाई, क्योंकि वो होते ना पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं कि भैया कोई बात भाई नहीं, तुमने तुम्हारे हौसला का जो आई वुड से इंस्टेंस है पहले दिन ही दिखा दिया, बिकॉज व्हाट यू सेड राइट नाउ ना, उसके बाद आई नो फॉर अ फैक्ट 95% लोग भाग जाएंगे या घर पे फोन करेंगे कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, बिकॉज वो पेड सीट नहीं थी ना, वो किसी और की मेहनत से नहीं था, वो था मेरी मेहनत से, जो मैं बैठ के 4 महीने घर के अंदर बैठ के दिन रात किया, तो आई वाज लाइक अगर ये किया तो अब कुछ भी आएगा तो मतलब उधर तो मतलब देवुड सबसे लड़ूंगा, हाँ, सबसे लड़ के आगे बढ़ूंगा, हाँ रैगिंग तो मतलब वो तब बहुत बुरी थी, देवुड बीट आल्सो, मतलब मैं क्या बताऊं, और मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का लाइफ अलग होता है, तो वो ठीक है जो भी मतलब जो भी था यू नो आई डिड इट, उसके बाद फिर अब मेरा भाई यहाँ पे था ठीक है, मेरा भी एक चार क्योंकि मैं उससे ज्यादा शौकीन था इंडस्ट्री का, बिकॉज मेरा भाई को had to send to Mumbai to find a path for his life. I knew what I wanted to do. वो because सबसे छोटा जो होता है ना वो थोड़ा pampered होता है, of course. है ना, क्योंकि उसने चीजें सारी देख ली होती है, yes. तो they had to give him that path कि भाई try this. But मेरा ऐसा था कि मैं हमेशा से मुझे पता था मुझे क्या करना है, तो I entered into a thing. तो अब वो यहाँ पे था ठीक है, उसको भी एक कभी कभी लोगों की हेल्प लगती है आपको अनलीश करने में, ही वॉज अनलीश, उसको बॉम्बे में रखा, उसको अच्छा लगा, स्ट्रगल हासिल वो बनाया, वो शुरू हो गया उसका काम, बट मेरा एक नजर यहाँ पे भी थी, बट मैं अपना काम कर रहा था, बट एक होता है ना दिल की चाह होती है, मैं वैसे बॉलीवुड में शादियों में नाचना है, मैंने बॉलीवुड के गाने आ रहे हैं, मैं स्टेप कर रहा हूँ घर पे डांस, ऐसा होता था कभी कभी कि यार पेशेंट आए हैं वहाँ पे एंड तुम पेशेंट्स देख रहे हो, बट एट द सेम टाइम अंदर अंदर यार ये कोई नया गाना है इस पे यार मेरे को नाचना है, इस पे मजेदार वीडियो बनाया ना दोस्तों के साथ, वीडियो वगैरह तब तो इतना था नहीं ब्रो, आई एम टॉकिंग बैक इन द डेज 2010, तब तो फेसबुक वगैरह ही था, बट ये था कि हाँ शौकीन था मैं इस चीज का, बट वो एक अंदर से डिजायर होता है, आप देखते हो नाचते हो जो भी है, वो आप ही की लाइफ है, वो ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होता कि भाई ये चाहता भी है, बॉम्बे आके कैसे आना है घर वालों से फिर पैसे वो नहीं मेरे को, मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ उसके बाद में सोचता हूँ, फिर वो मैंने फिर एमएस किया 3 साल, फिर 2018 आ गया 10 साल हो गए, अब मैंने बोला यार अब थोड़ा सा रुक जाते हैं थोड़ा संभल, क्योंकि अब लोग क्या गए अगला भी शुरू हो गए थे वो पढ़ाई करने, लाइक थोड़ा ब्रेक लेते हैं, 28 हो गया पता लगा 2 साल में शादी हो गई और 3 साल में बच्चा हो गया, जिंदगी जी That's not the life I want. हाँ, वो जिंदगी नहीं चाहिए थी मेरे को, वो जो एक होती ना प्रोटोकॉल की जिंदगी, मतलब नौकरी आ गई अब बीवी आएगी, वो रणबीर कपूर वाला ये जवानी है दीवानी वाला डायलॉग आ रहा है 25 पे छोकरी है, हाँ वो तो वो वाला मुझे जिंदगी चाहिए नहीं थी, आई वाज लाइक कि नहीं कुछ और करना है लाइफ के साथ, तो फिर मैंने सोचा अब मैं सैलरी ले सकता हूँ, अब मैं बॉम्बे आता हूँ, तो बस फिर वो चीजें फिर आके यहाँ लीश हुई ब्रो, तो मतलब पैसों का आपने डार्क डेज का पूछा था, डार्क डेज अब हमारे प्रोफेशन में क्या ही होते हैं, डार्क डेज तो मुझे इंडस्ट्री में आके आप समझ आएगी डार्क डेज क्या होते हैं, वहां पे क्या होता है आप एक चीज में होते हो, आप कर रहे हो आपको महीने का, आप परफॉर्म करो ना करो आपको पैसे मिल रहे हैं ना, यहाँ पे आपको हमेशा परफॉर्म करना है, आपने परफॉर्म कम कर दो इसमें दम नहीं, इसमें हटाओ इसको आगे बढ़ो अगले वाले को, एक 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 भी ऊपर नीचे होने वाला इसको हटाओ कोई बात नहीं नेक्स्ट आ जाएगा, सब भरे हुए सब माइंडसेट से आए हुए हैं क्योंकि सब घर छोड़ के आए हुए, यहाँ पे डाके देखे मैंने, पर उसने
इंसान बड़ा मतलब मैं बदल गया और मैच्योर हो गया और अपने बारे में पता लगने लगा और लोगों के बारे में बहुत, क्योंकि देखो जब आप यहाँ पे होते हो ना तो आपके पीछे लोग होते हैं क्योंकि वो भी इधर ही होते हैं, लेकिन जब आप इधर आ जाते हो फिर वो लोग जो है वो इधर आते हैं लेकिन वो देख नहीं पाते हैं इतना कुछ कि भाई ये बंदा बढ़ गया आगे, बट हम तो हमारा ट्रैक तो वही चल रहा है। तो वो फिर लोगों के चेहरे देखने, फिर आपको वो जो मास्क होता है या जो भी होता है वो फिर उतरता है लोगों का कि वो एक्चुअली में कौन आपका है और कौन आपका नहीं है। क्योंकि जब सब नॉर्मल चेल मार रहे हैं, देखो चार लोग हैं सब कॉफी शॉफी पी रहे हैं, एक बंदा बोलता है भाई मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई इसमें, तो ना अब अगले बंदे अब वो कैसे रिएक्ट करेंगे वहां आपके भाई। तो ये बहुत ही कमाल का पॉइंट बोला, बिकॉज हमारे लाइफ में आई बिलीव जेन्युइनली की जेलसी जो है, इनसिक्योरिटी जो है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू अबाउट समथिंग, जो मेरे से एंकर्स बोले एमसीज बोले आई एम वेरी हैप्पी इफ दे आर डूइंग वर्क डूइंग गुड वर्क, माय गोल इज ऑलवेज कि मैं भी कैसे करूं, मैं भी कैसे। बट अ लॉट ऑफ पीपल का वो नेगेटिव अप्रोच क्या होता है कि रे इसको कैसे मिल रहा है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इसको कैसे मिल रहा है मुझे भी मिले। सो यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी कि जेलसी वगैरह कितना फेस किया आसपास व्हेन यू स्टार्टेड रीचिंग दैट फैंडम। देखो सक्सेस तो तुम पहले भी तुमको मिला व्हेन यू बिकेम अ डॉक्टर, बट वो जो थोड़ा बहुत फैंडम मिलने लगा लोग बिछड़ जाते हैं, बट ऑफन पीपल डोंट रियलाइज कि काफी लोग ये सब जेलसी वगैरह की चीजों की वजह से भी बिछड़ जाते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। मुझे जेलसी के बारे में बताओ कब से क्या मतलब। देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो एनवी करते हैं जैसे कि मुझे ये बनना है, जैसे मुझे उमर बनना है, एक होते हैं जो उसको हेल्दी वे में लेके इंस्पायर होके अब मुझे करना है, ठीक है। अब चाहे आप छोटे बड़े हो बट उसके लिए आपने कुछ अचीव किया है, अब वो या तो एनवी में सल्क हो जाएगा कि भाई मुझे इसकी तरह कैसे बनना है, फिर वो उसकी वजह से क्या करेगा आपको डिमीन भी कोशिश करेगा करने की, आगे पीछे लोगों को भी कुछ ऊपर नीचे बोलेगा अरे वो तो ऐसा अरे वो तो। एक होगा नहीं लड़का बढ़िया है वो उसे सीखने को मिला मुझे, तो दो तरह के लोग हैं। हाँ वो दो तरह, ये बंदा जो है जो दूसरा वाला है जो सीखने को मिला ये सीख रहा है और ये ना यूज करेगा और ये बढ़ेगा आगे बिकॉज इसका अप्रोच बढ़ी है। जो दूसरा सल्क हो रहा है ना जो वो कर रहा है उसमें भी वो नीचे जाएगा बिकॉज नाउ वो उसका सक्सेस देखे वो परेशान हो चुका है, वो सल्क करेगा और वो डिमीन बातें भी करेगा आपको। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, वो लड़का मैं था और कुछ यहाँ पे थे, जब वो सल्क होने लगे मैंने कहा हटो बिकॉज मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ अप्रिशिएट करो अच्छा, क्योंकि जब तुम कर रहे हो तो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं कर रहा हूँ तो तुम्हारी बातें कुछ और हो रही है, लाइक अच्छा हटो हटो नॉट नीडेड इन लाइफ बिकॉज मेरे फोकस के लिए वो सही नहीं है। तभी कहते ना ऐसे लोगों में आप अपने आप को डालो जो आपको इंस्पायर करे, थोड़ा एक तो अपने ऊपर के लोगों के साथ बैठो। ट्रू यार, ये हमेशा पेरेंट्स भी हमारे बोलते हैं, ऊपर के लोगों के साथ बैठो ताकि क्योंकि उन्होंने लाइफ आपसे ज्यादा देखी है, वो उनकी उनकी गलतियों से सीखो कि इसने ये गलत किया है अच्छा मैं यहाँ पे संभल सकता हूँ, और जो इंस्पायर भी करे। अगर आप अपने से नीचे लोगों में बैठोगे तो फिर आप फिर वो आपकी हर चीज को सही बोलेंगे, अरे भाई ने सही बोला, उनके लिए तुम ही शहंशाह हो भाई, आप ही शहंशाह, और आप फिर एक वो अपने वो एक बबल में जी रहे हो कि मैं वो हूँ, लेकिन वो बबल टूटने में 5 मिनट लगते हैं, वो फिर आपका वो एटीट्यूड दिखेगा और लोग बोलेंगे चल यार ये तो भाई गुमराह हो गया। क्योंकि जैसे आप अपने से ऊपर लोगों में बैठोगे आप एक तो हम्बल भी रहोगे क्योंकि भाई इसने ज्यादा अचीव किया है तो रिलैक्स, बट उससे सीखो। वो जो दूसरा अप्रोच है ना वो बहुत बढ़िया है, और अगर आदमी सीखे क्योंकि आदमी क्योंकि जैसे हमारी भी जैसे जो मेडिकल जो नॉलेज है बोलते हैं एक जिंदगी में आप यू कैन नॉट कंप्लीट मेडिसिन, मतलब कि आपको हमेशा इंफॉर्मेशन लेती रहनी है। वैसे नॉर्मल लाइफ में भी मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि मैं भी ना कुछ जैसे आपसे कुछ सीख के जाऊँ मैं, जैसे आपके लिए किसने लिखा था कि वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत बढ़िया करते हो, है ना, या तो मैं उसको बोलूँ अरे यार मैं तो इससे बेटर कर सकता हूँ, या तो इससे सीखूं कि भाई ये वॉइस मॉड्यूलेट कर सकता है तो शायद मैं भी कोशिश करता हूँ। तो वैसे जब मैं शो पे भी था एमटीवी की शो, मैं वहाँ ऐसा होस्ट करके नहीं था कि भाई मैं होस्ट हूँ और भाई मैं ही सब कुछ हूँ, हाँ मैं अपने क्रिएटिव्स को पूछता था भाई कि भाई मैं कहाँ गलत हूँ, मैं खड़ा सही रह रहा हूँ, मैं बोल सही रहा हूँ, तो वो मुझे आउटपुट भी देते, उमर अब लाइने मारना बंद कर अब चुप हो जा अब सीधा खड़ा रहे अपनी शर्ट सही कर, तो बिकॉज अगर मैं उनसे आउटपुट बिकॉज मुझे पता है वो क्रिएटिव फील्ड में है, वो अलग फील्ड में है, वो ऑब्वियसली वो बायस नहीं है हमारे में, उनको बस शो बढ़िया करना है, तो वो चाहते हैं तेरा बेस्ट निकले, और कितने लोग हैं जो चाहते हैं तेरा बेस्ट निकले या मेरा बेस्ट निकले, बहुत कम बहुत कम। तो मैं इनसे सीख रहा, मैं उनसे यही बोला आप इनको बताओ कहाँ बेटर कर सकते हैं, आप कहीं बोलने में मेरा बोलने में सही जा रहा है अच्छा यहाँ पे तू, और इतने बढ़िया बन गए कि जब ऑफ कैमरा भी है फिर भी लाइनें दे रहे हैं मुझे, भाई अभी तो कैमरा बंद हो गया, बंद अभी हो गया, वो बोले नहीं भाई आपके साथ मजा आता है, तो बिकॉज मैंने वो गैप ही तोड़ दिया क्योंकि मैं सीखने में आया हूँ। 20 दिन के बाद मेरे को
मैं टू आई टोल्ड द क्रिएटिव कि ऐसा ना लगे कि आपको कि 20 दिन के बाद मैं बोलूँ कि मैं बहुत तोड़ बन के निकला हूँ. मैंने कहा मैं वही हूँ जो फर्स्ट डे आई मेट यू, बट मैं सीख के निकलूंगा आपसे कुछ सीख के निकलूंगा. और मैं बहुत कुछ सीखा, मतलब बिकॉज सुरभि क्रिएटिव थी, यू नो शी वुड टेल मी उमर द गेस्ट हैज कम. बिकॉज अब क्या होता है द वे यू ट्रीट गर्ल्स राइट, मैनर्स होते हैं, ठीक है, लिहाज होता है बात. हम लोग हम थोड़े देसी हैं मोहल्ले के, आई एम एक्चुअली गली बॉय, मोहल्ले में गलियों में हम बड़े हुए हैं, तो माशाल्लाह परवरिश बहुत अच्छी है, बट एक मैनरिज्म होता है ना वो थोड़ा सा एलीट क्लास का मैनरिज्म कि लड़की खड़ी हुई तो टेबल आगे कर लो, थोड़े कहीं तो कच्चे हैं हम भी. बट शी वुड टेल मी गो गेस्ट को लेके आओ हाथ पकड़ के, वो चीजें मैं इतनी सीखा ना. एंड वो सब इन ईयर रहता है ना, सो यू डू दैट ऑल द टाइम. हां वो इन ईयर रहता है, वो बोले ना उमर गेस्ट को लेके आए हैं, बिकॉज वो एल्डरली हैं जो भी हैं साइड पे, तो वो बॉडी लैंग्वेज में आता है. और वो फिर मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अगर मेरे साथ कोई लड़की बैठी है तो मैं उसके लिए गेट खोलूँ या मैं चेयर उसके लिए करूँ, वो मैंने सीखा. तो अगर मैं वही आदमी जो लड़का वो उम्र गया अंदर और 20 दिन के बाद वही निकला तो मैंने किया क्या, क्या किया, क्या ही मैंने क्या ही किया. मैंने अगर कुछ ग्रास भी नहीं किया उन लोगों से, इतनी बड़ी टीम है वहां पे, तो मतलब मैंने वो 15 दिन तो बस बोला हूँ, बोल के आ गया मैं. भाई मुझे बताओ, यू सेड दिस थिंग कि you know you you believe in organic stuff and which I have realized as well, tum apne aap ko zyada pr friendly nahi banate ho, because ye ek cheez hota hai, psyche hota hai ki when you know that you have that ability, zyada pr वैसे भी जरूरत नहीं पड़ता. and I'll relate this to something as well, as far as pr is concerned, big boss ke baad, big boss jaise reality shows ke baad, bahut log ya to individually you know pr friendly ban jate ya fir together as a pair you know pair friendly ban jate. समटाइम बैक आपने कहा था, एंड आई लव दैट स्टेटमेंट, क्योंकि आई हैव सीन सो मेनी इंस्टेंसेस, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर यू नो ऐसे पेयर्स फॉर्म करके वो पीआर मजा ले रहे हैं, लेकिन आपस में वैसा कुछ ज्यादा होता नहीं है. यू सेड वेरी क्लियरली कि बॉस यू एंड रश्मि यू रिस्पेक्ट योर फ्रेंडशिप एंड वी नेवर यूटिलाइज्ड इट फॉर आवर इंडिविजुअल पीआर, बिकॉज हम लोग को पता है वी आर गुड इनफ इन आवर वर्क. एंड व्हेन आई शॉट विद रश्मि एज वेल, she told the same thing to me as well, ki yaar I have always relied on my own individual abilities. So ye cheez mujhe bahut acha laga, you don't really rely on PR, and tumhara hi statement hai kuch time pehle aapne kuch kaha tha yahan pe media mein, so you never really dragged it beyond the show, but a lot of things were perhaps spoken about which you dealt with as well. Main uspe nahi jaunga, but I just want you to talk about the part ki ye confidence kahan se aata hai ki yaar bhale hi there's so much of shipping of me and Rashmi apart from among fans, मैं उस पे कैपिटलाइज नहीं करूंगा मेरे खुद के फायदे के लिए, इसका कॉन्फिडेंस कहां से आता है. एंड दूसरा चीज, यू नो व्हेन यू अनफॉलोड हर और व्हाटएवर, उस टाइम पे ऑफिस फॉलो कर नहीं वो थोड़ा सा था बिकॉज़ पर यू हां सो पॉइंट इज की फॉर मी आई सी द कॉन्फिडेंस इन अ पर्सन, यार मुझे नहीं चाहिए. अगर मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल इवन आई इफ माय केमिस्ट्री और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री व्हाटएवर इज गुड विद समवन on a show or for a music video, मुझे उस पर बाहर कैपिटलाइज नहीं करना फुटेज लेने के लिए अलग से. अरे यार मैं इंडिविजुअली काफी हूं, मेरे को क्यों चाहिए, जितना काम रिलेटेड है उतना ही रहे. सो दिस स्पीक्स ऑफ कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस तुम्हें कहां से आता है, बिकॉज यू डिडंट एक्चुअली जो भी किया फैंस ने किया, तुमने अपने तरफ से अलग से कुछ नहीं किया रिगार्डिंग दिस. मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज जो है दिमाग में कि बने भी खुद हैं और बर्बाद भी खुद ही होंगे अपने अपने दम पे, कि अगर यहाँ तक बने हैं अपने डिसीजन लेके बने. बिकॉज मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे अब मुझे डॉक्टर बनना था, मेरी फैमिली में है एक दो डॉक्टर्स हैं, पर लड़का कोई डॉक्टर, एक लड़का डॉक्टर था बट ही लेफ्ट हिज फैमिली, मेरा कजन था, उसके बाद उसने किसी से बात भी नहीं की होगी कि ब्रो होता ना कि और कोई डॉक्टर नहीं बाकी दे रहा डॉक्टर, तो वो मेरा खुद का डिसीजन था. और आगे पीछे कुछ गॉडफादर कभी रहा ही नहीं ब्रो, कि भाई जो मुझे बताए उमर, क्योंकि होता है आपको इंसान अकेले सब कुछ नहीं कर सकता है ब्रो, आपको गाइडेंस के लिए बहुत सारे लोग चाहिए. और वो मैं रियलाइज करता हूँ कि मैंने देखा कि जब मैं डॉक्टर भी बना, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, बट एक फितूर था डॉक्टर बनना है मुझे, समझे. जब किताब आई ना पहले ईयर में, ये क्या है बट फितूर था कि भाई बनना है, चलो जो वो एक पार्ट था. उसके बाद सर्जन बनना था, किसने बोला नहीं कि भाई तुझे सर्जन बनना है, कि इसे तू ये बनना चाहिए. मेरा पहले दूसरा था, वो बोले ठीक है बढ़िया कोई बात नहीं ये भी सही है, तो कोई गुड इंटेंशन वाला तो था ही नहीं कभी भी, कि जो बोलेगा कि भाई उमर ये मत कर, चाहे एक साल बर्बाद हो जाए बट ये वाला मत ले. जैसे मेरी पहले पहले हमारी क्योंकि वो सीट्स के हिसाब से होता है, मेरिट के हिसाब से, किसी ने ये नहीं बोला मत ले ये वो, क्योंकि किसी की गुड इंटेंशन थी नहीं, समझ लो.
जो था खुद ही था, और जब आप जो किसी की गुड इंटेंशंस ही ना होती है तब आप सिर्फ खुदा के हवाले होते हो, क्योंकि क्योंकि उसने क्योंकि उन्होंने सुनी होती है कॉन्वर्सेशन पीछे वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो इसीलिए ऊपर वाले ने फिर वहां से मेरे को सर्जन बना दिया, और आई वाज हैप्पी। ठीक है, अब सर्जरी में भी क्या करना है वो भी कोई गाइड करने वाला नहीं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है वो खुद ही डिसीजन। आधे लोगों में बॉम्बे मत आ यार, बॉम्बे में पैसे नहीं है, मेडिकल अच्छा नहीं है। मैंने कहा देखी जाएगी, यू नो कुछ कुछ होता है ना, अगर ज्यादा ही प्लान कर दो ना चीजें, परफेक्ट चीजें तो मेरी लाइफ में कभी हुई भी नहीं है, मतलब बस प्लान बना और गए, आगे मिस हैप्स, बट वही तो एक्सपीरियंस है, वही तो स्टोरी है। मैं अपनी मैं अपना जिंदगी एक स्टोरी बनाना चाहता हूँ, ये नहीं कि डॉक्टर बना बस पूरी जिंदगी। अच्छा वहाँ डॉक्टर है, क्या कर रहे हो 10 साल, डॉक्टर हो वो भी अच्छा है, बट मैं चाहता हूँ कि भाई एक मैं अपने बच्चों को बैठ के बताऊं कि भाई तुम्हारा बाप कौन है, यू नो कि ऐसा भी था लाइफ में, ऐसा भी था, ये भी देखा और वो भी देखा। क्योंकि एक बार आप प्रोफेशन में आ गए ऑब्वियसली फिर तो मनी विल कम, एवरीथिंग विल कम, बट बहुत चीजें आप छोड़ दोगे, आपका पैशन भी होता है। प्रोफेशन और पैशन बहुत अलग होता है, जो पैशन प्रोफेशन में फाउंड ले वही लोग फिर अनलीश होते हैं, वही मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स बनते हैं जिन्होंने पैशन अपना पकड़ लिया। पर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, 80% दुनिया जो है क्योंकि दे हैव माउथ्स टू फीड, दे हैव देयर किड्स टू फीड, दे हैव देयर वाइफ टू फीड, दे हैव देयर पेरेंट्स टू फीड। तो बहुत सारे लोग पैशन में, क्योंकि पैशन के लिए क्या आपको वक्त चाहिए बहुत ज्यादा, सैक्रीफाइस चाहिए और दम बहुत कम, दम होता है लोगों में लेकिन वो बाकियों को सफर करते हुए नहीं देख सकते। तो वो किसी की, मेरे लाइफ में ये था कि वो आसानी थी कि चलो मेरे घर वाले अपने इनके पास इनकम है, मेरा भाई कमा रहा है, मेरी बहन कमा रही है, तो चल उमर अब तू अपने ऊपर। लेकिन वो कब आया, जब मैं 28 साल का हो गया, ऐसा नहीं कि कोई मैं 15 में ही मैंने कर दिया, एक टाइम आया कि अच्छा अब तू अपने ऊपर कर सकता है, क्योंकि पहले यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग, अच्छा मैंने ये छोड़ दिया अब आगे नहीं होगा। तो वो चीजें थी। तो अब वापिस आते हैं बिग बॉस पे, अब रश्मि के साथ था हमारी फ्रेंडशिप हुई, लेकिन अब देखो साथ रहना है, किसी के साथ रहना है तो ऑब्वियसली खाली पीआर के लिए तो नहीं ना आप कर सकते, देन यू हैव टू बी इन अ रिलेशनशिप। और मैं वो किसी को ऐसा जस्ट बिकॉज मेरा फायदा हो रहा है ब्रो, मैं किसी के साथ, आप लड़कियों को बोल दो मैं प्यार, देयर आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल से ओके यस आई लाइक यू आई लव यू लेट्स सी वेयर इट गोज, और दिमाग में उनको होता है कि बस ये तो काटने के लिए भाई है ना, दिमाग में होगा बाद में देख लेंगे, बट वो मुझे वो इंटेंशन मेरे अंदर आ गई ना ब्रो, बिकॉज मैं खुदा से बहुत डरता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी इंटेंशन अभी तक अच्छी रही इसीलिए मुझे ये चीज मिला है। अगर मैं ये गलत रोड चूज करूंगा ना, 5 मिनट लगते हैं जमीन निकलने से ब्रो, 5 मिनट लगते हैं। मैंने देखा है आप पैसे कमा रहे हो कुछ नहीं, एक छोटा सा इंसिडेंट होता है और पूरी लाइफ पलट जाती है। तो मुझे तो मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे वो चीज नहीं करनी थी, इसलिए हमने वो बात भी हमने क्लियर की कि रश्मि को इसमें आपस में भी नहीं है कुछ, और ये चीज ड्रैग भी नहीं करनी, और रश्मि को जरूरत नहीं है किसी चीज की, क्योंकि उसने इतना काम किया है, शी इज वेल सेटल्ड। बट मेरा उसके साथ एक कनेक्ट हमेशा रहेगा, वो अभी भी रहेगा, अभी भी उसका बर्थडे था, बिकॉज क्योंकि मैंने किसी के साथ अगर वक्त बिताया है ना, और वो बहुत टफ टाइम था अंदर जब रश्मि मेरे साथ थी, वो सपोर्ट में थी, वो मैं कभी भूलने नहीं वाला लाइफ भर। That's a gratitude. हाँ, चाहे मैं साल में एक बार उससे बात करूं, बट वो मैं बड़ी गुड इंटेंशन से बात करता हूँ कि रश्मि तू कैसी है, बढ़िया है, वो शी वॉज इन जम्मू वैष्णो देवी, मैंने कहा चलो बढ़िया है बहुत अच्छा, क्योंकि वो हमेशा याद भी, मुझे पता है आई वॉज इन टू इन पेन, मेंटल पेन, जो भी फिजिकल पेन, वहाँ पे शी वॉज देयर, शी वॉज माई फ्रेंड, शी वॉज माई स्ट्रेंथ वहाँ पे। तो वो मैं, बट हाँ उसको ड्रैग नहीं किया फॉर पीआर, बिकॉज वो पर्सनल रीजन से कि बिकॉज शी ऑल्सो डिडंट वांट कोई रिलेशनशिप में। बोलने को तो यार होता है ना, लड़की पटाने वाली बात है ना, आप बोल दो अच्छी अच्छी बातें, एंड वुमेन क्या दिल से सोचते हैं ना वो, तो मैंने कहा वो चीज़ मुझे नहीं करनी है। मैंने कहा ऐसे ही करते हैं, दोस्त रहते हैं, वो बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई बट वो मैंने हैंडल कर दिया कि भाई ठीक है कोई बात नहीं। You said right now as well कि जो भी हुआ, whatever misunderstanding, मुझे पता नहीं है, that is your thing. और आगे वो आगे मुझे कभी फोन करे ना करे, मैंने हमेशा करना है उसको, क्योंकि मैंने वो, मुझे वो बिग बॉस याद आता है, वो जो टाइम तब कोई भी नहीं था, जो भी दोस्त बने बट वही चीज साथ में जिसके मैं बात करता था, ये वो टाइम मुझे हमेशा याद रहेगा, इसलिए रश्मि मुझे हमेशा याद। यू नो दिस इज why पीपल से कि यार तुम्हारे अच्छे टाइम में तुम्हारे साथ कोई खड़ा रहे या ना है, वो तो देखो सब लोग रहते हैं, जो बुरे टाइम में रहते हैं ना, दे आर द रियल पीपल, भले ही कनेक्ट ज्यादा नहीं रहे बाद में रहे, बट इट डजंट मैटर, वो ऑर्गेनिक बॉन्ड होता है, राइट?
And you know, I have to talk about something else as well. Some time back as well, you said ki you know, you and Asim bhai, you guys have of course been like there for each other all the time. But brothers jo hai na, it's not just about ki main isse fitness seekhu, it's also about emotionally motivating each other in the best way. Tumhare difficult time mein, I'm sure bhai has always been there. Tumne bola bhi ki jab main Bombay aaya tha, I could rely on my brother, my sister, etc. jiske wajah se main risk le paya. Some time back, again, matlab jo baat hua, I have to talk about it because it's like a long-term podcast and we are talking about everything. Tumne kuch din pehle, again, I'm not talking anything else jo main bana raha hu, tumne kuch din pehle kaha tha, media mein aaya tha ki, you know, jab tak koi relationship shaadi tak nahi pahunchta, tab tak you should not give it too much of undue importance, because if it is made to be, then it should be, warna nahi hoga. Correct me if I'm wrong, tumne ye cheez bola tha, right? Of course, you know, Asim and Himanshi, they were talked about for a long time. And, you know, people, of course, their respective fan clubs, they were heard. It is their prerogative kya hai. But, ek jo sawal tha, jo mujhe bhi kaafi logon ne mere poll mein poocha tha, ki I think this one of the reasons that was cited was religious differences, right? Mujhe fans ne, bahut logon ne poocha ki religious differences to pehle bhi the. Pehle bhi the, yeah. To, jo right from the beginning. To phir itne time baad phir wo religious difference ka point kyun hua? Dekho, jo bhi hai, dono ke beech mein hota hai. But the point is ki why was that reason said? Because wo to pehle bhi tha. Pehle bhi tha. But mujhe aisa lagta hai, dekho kya hota hai ki bolte hai na, dil to bachcha hai ji. Kyunki jab aapko pyar hota hai na, phir na aap karte kya ho, aapka religion kya hai, aapki family kya hai, aapka desh kya hai, kahan se ethnicity kya hai aapki. तो वो बस यू नो हाँ वो सब भूल जाते हो आपको जब बस प्यार हो जाता है फिर आप नहीं देखते कि मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे और उसके क्या सोचेंगे आप बोले अब साथ में है बिकॉज आपको फाइंडिंग द राइट पर्सन इज वेरी डिफिकल्ट दो जैसे गॉड से ना ही इज मेड यू इन पेयर्स बट गॉड हैज ऑल्सो सेड इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द वुमन यू कैन डाइवोर्स हिम हर राइट दैट मीन्स ऐसा नहीं कि जो पहला हुआ वही है पेयर यू नेवर नो यू आर मेड इन पेयर्स बट What the right person you have to find, right? Wo upar wala tumhe, he will make you meet people, but tabhi to free will diya hua hai na. Absolutely. Ki aap jano kisi ko. Ab wo, aur 3 saal mein, jo main 2019 mein tha, wo 2024 mein main nahi hu. Main bahut alag insaan ban chuka hu. Kyunki experiences hote hain. Aapki spiritual journey hoti hai, aapki mental journey hoti hai, aapki physical journey hoti hai. Aap apne aap ko better karte ho mentally, spiritually. I think wo sabki journey thi, because 3-4 saal में मतलब आप 28 से एक 30 का गैप क्रॉस करोगे 30 इज अ बेंचमार्क हां 30 इज द 30 के बाद आदमी कुछ भी चीजें लाइटली नहीं लेता yes, समझ रहे तो वो अगर कहीं बाहर भी जाएगा वो ऐसे लोग कोशिश करेगा मिलने की जिनसे वो कुछ यू नो कुछ सीख सके कुछ सीख सके इंस्पायर हो सके या फिर वो कोई काम का बंदा पहले तो आदमी सिर्फ मिलता है ऐसे ये वो वगैरह तो वही वैसा हुआ कि उन्हें एक शो में जहाँ शो में फीलिंग्स किसी के लिए आना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आप इतने प्रेशर में होते हो ठीक है तो वो उसमें उनका यू नो दे लाइक की चीज बाहर आके भी उनको लगा नहीं ये खाली अंदर के लिए नहीं था ये बाहर के लिए भी है या तो वो एक जर्नी चलती रही तो अब साथ में जैसे मैंने कहा एक स्पिरिचुअल जर्नी भी होती है तो एट द एंड आई थिंक दोनों ने दे डिसाइडेड कि भाई अच्छा कुछ तो डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में भी हम चाहे जितना मर्जी लिबरल हो जाएं यू नो वी कॉल इट बट कभी कभी कुछ डिफरेंस आई जाते हैं विच इज फेयर है ना हां बिकॉज किसी थर्ड पर्सन को उसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए हां पढ़ना भी नहीं चाहिए हां बिकॉज एज पब्लिक फिगर्स थोड़ा बहुत क्लैरिटी पब्लिक फिगर्स हां क्लैरिटी व्हाई आई ब्रॉट दिस टॉपिक अदरवाइज एग्जैक्ट आई डोंट वांट टू गेट एग्जैक्ट तो आई थिंक वो डिफरेंसेस आए उन्हें समझ आए कि अपनी एक आइडेंटिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक फिर वहीं पे आहिस्ता दे डिसाइडेड आई थिंक हम दोनों के लिए ये बेस्ट होगा दैट तभी तो आप प्यार करते हो ना जब एक दूसरे का बच्चा सोचते हो तो उन्होंने सोचा कि दिस इज बेस्ट फॉर ईच अदर कि तेरे लिए भी अच्छा होगा मेरे लिए भी अच्छा होगा इट्स बेटर वी पार्ट एंड वो रिस्पेक्ट इज सो इम्पोर्टेंट यार मतलब इट्स नॉट दैट यू आर लीविंग ऑन एन अगली नोट हां अगली नोट नहीं कि आप रिलेशनशिप में हो और फिर भी एक आ जाके वो बात आएगी और आप फिर आप उस पर कुछ होगा इट्स बेटर कि यू नो यू आर हैप्पी आई एम हैप्पी बट जो भी हो any sort of parting ways is very difficult very, emotionally it has been very difficult for him also so aapne as a brother bro matlab kaise sambhala usko matlab ki wo we main uska uske fans ek do hum log baith ke you know he was very obviously you're hurt also you're aur wo
कैंसेरियन है, तो बड़े इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, प्यार हो। मैं तो कैप्रिकॉन हूँ, हम वेरी प्रैक्टिकल लोग, ठीक है तो है, नहीं है तो ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज इट नेक्स्ट इन लाइफ, बट ही इज वेरी इमोशनल। आई वाज लाइक अच्छा है, अगर दिल टूट, दैट मीन तेरे पास दिल है ब्रो, मुझे तो भूल भी गया प्यार करना क्या होता है, तूने प्यार तो किया है ना। मैं उसको ये बोलता था, यू आर सल्किंग एंड आई फील हैप्पी बिकॉज एटलीस्ट यू आर इन लव एंड दैट्स व्हाट, दैट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। बट ये है कि देन आई वुड टेल हिम कि भाई थिंग्स ऐसे है वैसे है, वो आप जितना भी करो आदमी को टाइम लगता है, बिकॉज 3-4 साल मेमोरीज होती है वो, सो मच 3-4 साल में आप ग्रो करते हो। वो बिग बॉस से जो निकला था और आज आसिम बड़ा अलग है, एब्सोल्युटली वर्किंग जो भी अपनी लाइफ, बिकॉज मेहनत से कमाया है, मेहनत मेहनत करते हो हर दिन, और वो आपको फिर प्रोडक्ट भी मिलता है और उसका यू नो फ्रूट्स भी मिलते हैं, तो ऑब्वियसली वो मुश्किल होता है, लेकिन ऑब्वियसली अब आप इतने स्ट्रांग हो ही जाते हो कि आपको 5% आपके बारे में होता है। बट मुझे ऐसा लगता है जो प्यार 20 में करते हो वो 30 में नहीं होता है। जो जो 20-25 साल का प्यार और जो हर्ट होता है ना, वो 30 के बाद नहीं होता, बिकॉज 30 के बाद आपके पास और चीजें इतनी होती है करने को। So true, यार, इतने प्रेशर आपको होते हैं। बिल पे करने हैं, आपको फैमिली भी देखनी है, आपको अपना भी हिसाब है, क्योंकि 20-25 में क्या होता है, कॉलेज होता है, चल रहा था, पढ़ रहे हैं, यार आपको कितने पॉइंट भाई जो बोल रहे हैं, आई रिलेट सो मच विद माय पर्सनल लाइफ, बता नहीं सकता आपको वो जरूरत। और प्यार भी तभी होता है, वो जो लोग आपको इन्फैचुएशन बोल के बोलते हैं यार तो बच्चा है, बट क्योंकि वो जो इन्फैचुएशन वो प्यार इसलिए क्योंकि ना आप मटीरियल देखते हो, ना वो लड़का कितना कमाता है, ना वो लड़की की फैमिली से क्या वो पैसे वाला है, वो बिल्कुल प्योर है, बस इंसान देखा और पसंद आ गया। असली प्यार तो वही है। आप तो दुनिया बस देख रही है कि हम कंफर्टेबल कैसे रहे, कंफर्टेबल कैसे रहे, हमें कोई हार्डशिप ना करनी पड़े क्योंकि हमने बहुत मेहनत कर ली है। नहीं बट भाई जेन्युइनली मतलब आई एम सो हैप्पी टू हियर कि यू नो एज अ ब्रदर, तो देखो ये मेरे बोलने की बात नहीं, यू विल बी देयर फॉर योर ब्रदर एंड यू हैव बीन देयर ड्यूरिंग हिज डार्केस्ट डेज, एंड दैट्स हाउ एनी सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप बोलो, ब्रदरहुड बोलो, दैट इज, मैं जेन्युइनली चाहूंगा फटाफट एवरीथिंग रिमेन्स परफेक्ट फॉर हिम गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। और बड़े भाई और आपको बड़ा बनाया, देखो एक चीज और बोलना चाहूंगा, बड़े छोटे भाई होंगे वहां पे, खुदा ने बड़ा आपको बनाया एक रीजन, चाहे आप उतने सक्सेसफुल ना हो या आप उतने पैसे ना कमाओ जितना छोटा कमा रहे, लेकिन खुदा आपको विजडम दे देगा कि आप छोटा गाइडेंस देगा आपको कि उसको आप संभाल सको, और वो पूछने आएगा जरूर क्योंकि उसने भी आपको बड़े होते हुए देखा है, चाहे आप जो भी हो, बट एक विजडम आपको दिया है। जो चाहे मेरी जो बड़ी बहन है, अब चाहे मैं जो मर्जी करूँ वो जो मर्जी करे, लेकिन कुछ बातें वो ऐसी बोल देती है जिसमें मैं चुप हो जाता हूँ क्योंकि वो बड़ी है, क्योंकि वो एक अथॉरिटी उसको दी हुई है, वो ऊपर वाले नहीं दिए, क्योंकि तभी बोलते हैं ना बड़ों की इज्जत करो, एब्सोल्यूट। तो वो एक अथॉरिटी वो कुछ ऐसी बोल देगी कि मेरे को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो बड़ी है, वैसे मैं उसको कुछ बोल दूंगा आसिम को जिसको बोल उसको बुरा नहीं लगे, बट हाँ कुछ वो ऐसा मुझे बोल देगा मुझे बुरा लग सकता है क्योंकि मैं बड़ा हूँ, और मैं अपनी बहन को अगर कुछ बोल दूँ क्योंकि वो मेरे से बड़ी है, तो वो अथॉरिटी नीचे से है, नीचे से ऊपर नहीं, नीचे से ऊपर नहीं जाती। सो ट्रू, बट यू मेंशनड अबाउट दिस थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एमिकेबल डिसीजन था, सो हुएवर आई बिलीव, जिनको जानना था कि वो रिलीजियस वाला भाई ने क्लियर किया है, बट सिंस इट वॉज एमिकेबल आई बिलीव दैट यू नो जो एक रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे के लिए, एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट आसिम एंड हिमांशी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, इवन यू हैव नोन हिमांशी राइट, सो आप लोगों का जो रिस्पेक्ट वाला है दैट इज स्टिल आई एम प्रीटी श्योर, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ब्रदर, वो चीजें हमेशा रहती हैं, और ऑब्वियसली दैट्स हाउ मैच्योर्ड पीपल डील विद, दैट्स हाउ यू हैव टू डील, ऐसा नहीं है कि भाई कि आप कब सामने भी आओगे और आप हाय हेलो भी नहीं करोगे, वो तो फिर बचकानी चीज है, दैट्स नॉट रिस्पेक्टिंग द टाइम, द गुड टाइम दैट यू हैव, ऑब्वियसली हां वी हैव स्पेंड टाइम, तो इंसान के बारे में आपको पता लगता है, तो चीजें बड़े अच्छे नोट पे गई है कि हाँ कि कभी काम करने का भी मौका मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई नहीं नहीं यार ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल लाइफ अलग रखो, हर चीजें प्रोफेशनल अलग, जब नया साल आता है ना पुराने जितने भी मैंने कांड किए सबको सॉरी बोल देता हूँ क्योंकि नया साल माफ कर दो भाई, नया साल मूव ऑन भाई। लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो वुड बी कि तुमने तुम्हारे रियलिटी शो जो तुम होस्ट कर रहे हो उसके बारे में पहले भी बोला, बट यू नो जो मैंने पहले एकदम पहले कहा था पॉडकास्ट के टाइम पे कि यू नो उमर रियाज इज अ लॉट अबाउट क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी, तुम हर जगह नहीं दिखते हो, यू फोकस ऑन क्वालिटी, बट आई एम श्योर तुम्हारे जो फैंस है तुमको और ज्यादा देखना चाहते हैं राइट, सो इन 2024 और गोइंग फॉरवर्ड डू यू वांट टू परहैप्स एक्सपैंड द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट यू हैव सीन? या सी वो आई थिंक एक हर आर्टिस्ट का हर एक एक्टर का वही ड्रीम होता है कि यू नो ही कीप्स ऑन वर्किंग, ही कीप्स ऑन वर्किंग, बट कभी कभी आई थिंक फिल्टर भी करना पड़ता है बिफोर बैगिंग दिस
chance to be a host. I was asked for a lot of contestant to be as a contestant on the show. They were giving me money also. But my vision was kuch aur tha. I was like, contestant, I'm ho gaya. अब मैं और क्या दिखाऊं, 3 महीने 100 days में रह चुका हूँ, लोगों के मेरे बारे में सब पता है, अब मैं और क्या कंडीशन में जाके दिखाऊं उनको। और ऐसे अब मुझे होस्ट बनना, वो एक डिजायर था बस, और वो डिजायर समहाउ ये शो का भी अब बात हो ही रही है कि मेरे को एज अ गेस्ट बुलाया था इन्होंने कि आप एज अ गेस्ट आइए इस शो में, एक दिन आइए, दो दिन आए, तो वो फिर ना मेरे टच में थे, अच्छा नहीं हो रहा, अभी शो डिले हो रहा है, फिर शो डिले हो रहा है, तो मैंने एक दिन फोन करके पूछ लिया, भाई प्रॉब्लम क्या है, तुम दिसंबर में डेट मांग रहे हो, नवंबर, बोले वो मेल होस्ट का, मैंने कहा तुम मेरी क्रिएटिव से बात करो, मैं जाके मिला उनसे, क्या ये है, वो है, वो है, हाउ डू यू सी मी, ये वो, फिर वो बातें हुई, क्रिएटिव से मिला, एंड एट द एंड बोले डन है। You know, my mom also tells me the same thing कि जिंदगी में कभी भी काम मांगने से, when you know that you can do a good job, काम मांगने से कभी शर्माओ मत। शर्माओ मत, और desire, oh my God, the power of desire, fire रहता है। हाँ, वो जो desire और manifestation है ना, कि आपको वो चीज करनी है, मतलब मुझे host बन, मैं I still meet my friends जिनसे मैं ऐसे ही बैठ के बोला था कि मेरे को होस्ट बनना है सितंबर में, और मैं जनवरी में जब उनसे मिला, मैंने कर दिया, बोला था तूने, मैंने बोला था, एंड आई वाज लाइक कि बट उसके लिए आपको अपने आप को तैयार भी करना है। एब्सोल्युटली, देखो मेरे को पता नहीं था मैं कैसा होस्ट होऊंगा, बट मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था, और मेरे को पता है कि आई एम अ गुड ऑरेटर, मैं जाऊंगा और मैं अपना जो मैंने सीखा है वो भी मैं आई विल गिव देम, तो मुझे ऐसा पता था कि मैं करूंगा, जो जो होस्ट आपको लोग चाहिए अनलीश करने के लिए, जिसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं, मैंने बोला कि यू नो यू विल नेवर रिग्रेट योर डिसीजन, मतलब बीइंग फेमस एंड बीइंग डन एवरीथिंग, यू स्टिल हैव टू से ब्रो डोंट वरी, ऐसा नहीं कि बिकॉज मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, हर बंदा रेडी है करने के लिए, सो आई लाइक व्हाट मेक्स मी डिफरेंट, देन आई मेड देम रियलाइज दिस इज हाउ आई एम डिफरेंट, एंड उनको भी समझ आया, उनको समझ आया, और उन्होंने भी एक गैम्बल किया ना ब्रो, ऑब्वियसली वो भी बिकॉज सारी टीम ऑल्सो ट्रस्टेड यू, दे ट्रस्टेड मी, एंड आई टोल्ड देम कि यू नो, और ये बिग बॉस जाने से पहले भी था, जो जिसने मुझे मैसेज किया, आई वाज लाइक When you take me, you're not gonna regret your decision. 100 दिन बिता गया, century मार गया, 100 दिन बिता गया है। इनको भी मैंने बोला कि डोंट वरी, आई नो सबका पहला था, क्योंकि एमटीवी है, शो है, डे टू डे रिमेंबर फ्रेंचाइजी है, सब कुछ, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी बिहाइंड इट, और होस्ट के ऊपर बहुत चीजें होती है, बट जब वो खत्म हुआ है, दे वर लाइक वी आर सो हैप्पी विद यू एंड व्हाट वी थॉट यू गिवन अस एक्स्ट्रा, आई वाज लाइक मेरा हमेशा ऐसे ही रहता है, बिकॉज वर्किंग एज अ डॉक्टर हमारी एक फिक्स सैलरी होती है, हमें ये नहीं बोला जाता है कि 4 घंटे काम करना है, भाई आए हो तो वापिस जाने की बात नहीं करनी है, क्योंकि ह्यूमन लाइव है आगे, तो हम 12 घंटे 32 घंटे भी काम किया, वहां पे भी ऐसा ही था, लाइक जितना तुम दे रहे हो मैं एक्स्ट्रा ही देके जाऊंगा तुम्हें यहाँ से, ताकि तुम मुझे याद तो करो भाई आके काम करके गया था। बट भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड तुमने देखो रियलिटी शो कर लिया, होस्टिंग भी कर लिया, यू नो माशाल्लाह, आई विल ओनली रिक्वेस्ट टू गॉड एंड प्रे टू गॉड कि तुमने इतना अच्छा टाइम दिया मुझे, वी स्पोक अबाउट सो मेनी थिंग्स, एंड आई विश आगे जाके और भी टीवी शोज करो, मूवीज करो, ओटीटी करो, हर जगह पे आग लगा दो, बट यू डू, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने इंटेग्रिटी के साथ काम करते हो, यू कंटिन्यू टू डू दैट वे, बी दैट गुड ह्यूमन बीइंग, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी, जितने लोगों ने देखा है, सो मेनी लाइफ मॉडल्स एंड प्रिंसिपल्स जो कि हम लोग ने सुना उमर से इस वीडियो में, डू शावर हिम विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ लव अफेक्शन, बिकॉज भाई डेफिनेटली डिजर्व करता है सब कुछ, मेहनत से, सिर्फ ये नहीं आसिम भाई, पूरा फैमिली मेहनत करके आ गया है, एंड लाइक आई लव द वे ही सेड अबाउट his parents ki how fitness came from them, so many things to take away from that podcast, dosto support him, shower him with love, that's a wrap on the Sun Easy Show by Rohit Consulting, this is your host Shubhajit, I'll see you again with another very interesting episode very soon, Umar ka show dekhna zarur dekhna, support karo, and guys keep dreaming kabhi, keep the hustle alive. That's what is most important, thank you so much, God bless, take care, stay safe, and thank you.